किस लिए होता है ये, किस लिए डालते हैं हम लोग का नेम ऑन है किस लिए, वेलकम के लिए मतलब। ठीक है, बाय 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 बाय, फिर से आएंगे। तो अभी के लिए मोचिलो स्टेलो से हो गया है सफ़र पूरा, यहाँ से जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है युक्सम, यक्सुम बोलते हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया से मेरा गाड़ी बुलाई है, वो लेते हैं और चलते हैं यक्सुम की तरफ। बाय बाय। चलो ठीक है, बाय बाय नरिता, बाय बाय निशित। नीचे जगह है तो नीचे भाई। जिस ब्रिज पे मैं अभी चल रहा हूँ ना, ये काफ़ी आइकॉनिक ब्रिज है। एक्चुअली ये है एशिया का सेकंड हाईएस्ट ब्रिज। जो फर्स्ट जो आता है वो है चीचम ब्रिज, वो स्पीति वैली के आसपास है, और सेकंड ब्रिज है ये, इसको बोलते हैं शिंगचैंग ब्रिज, शिंगचैंग ब्रिज ऐसा कोई नाम है। और सिक्किम का ये हाईएस्ट, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट और एशिया का भी सेकेंड हाईएस्ट ब्रिज है। तो लगभग इसकी दूरी है पेलिंग से काफ़ी दूर है, लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी है, एक घंटा लग जाता है वहाँ से गाड़ी से आते आते भी। और बट सुंदर बहुत है, यहाँ से इसकी जो हाइट भी है वो भी बताई गई है कि 100 meters की हाइट है। या मेरी नीचे की तरफ अगर आप देख पाओ तो बहुत नीचे तक है इसकी हाइट, अगर आप देख पा रहे हो तो। और इधर से इस साइड से आते हैं हम, ये पेलिंग का रास्ता आ रहा है, इधर से पेलिंग का रास्ता आता है और ये रोड आगे कहीं जाता है, ये रोड आगे कहीं जाता है, उतरे गाँव है उसकी तरफ पे रोड जाता है और काफ़ी क्लोज चला जाता है नेपाल के बॉर्डर के आसपास। तो काफ़ी सही नज़ारा है। वैसे बताते हैं कि यहाँ से जब पीक्स भी दिखती हैं कंचनजंगा, लेकिन फिर मानसून में आए हैं तो ये घाटा तो रहेगा ही कि वो बढ़िया पीक्स नहीं दिख पाएंगी। लेकिन वैसे जो नज़ारा है, जो हाइट है इधर से इस साइड पे, और इस साइड पे भी कुछ वाटरफॉल आ रही है ऊपर पहाड़ से उतर रही है, तो यहाँ के नीचे नदी बन जा रही है। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज। और चाहता था मैं सिक्किम में आया हूँ तो इस ब्रिज पर ज़रूर आऊँ, और मेहनत करके पहुँच गए। ये हॉस्पिटल है? अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा सा प्राइमरी। तो गाइज अभी हम पहुँचे युक्सम का, हमारा जो एकोमोडेशन है, जो हमारा स्टे है, वो एक और होम स्टे में ही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम होम स्टे में हॉपिंग कर रहे हैं, एक होम स्टे से दूसरे होम स्टे में। तो इसका नाम है लिम्बो होम स्टे, और बहुत ही मतलब अभी तक जितने भी होम स्टे देखे हैं मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है, क्योंकि इनके पास बहुत ही फुल लाइन का ओपन एरिया है, ये बिल्डिंग भी इन्हीं की है और उसके पीछे सारे एरिया, और काफ़ी नीचे तक अगर आप देख रहे हैं, अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो में, तो पूरे नीचे तक का एरिया इनका ही है। और इसके बाद हम इधर एंटर होते हैं तो ये कॉटेज रूम्स बने हुए हैं जिसमें हमारे को एक रूम मिला है। तो हम क्योंकि दो लोग आए हैं, मैं और गुरलीन भाई, तो गुरलीन भाई पहले ही रूम देखने चले गए। तो ये है रूम कुछ इस टाइप से, सेपरेट सेपरेट बेड्स लगे हुए हैं सबके लिए, पर हम तीन बेड लगे हुए हैं, लेकिन हम तो दो ही लोग हैं। साथ में वॉशरूम है, वॉशरूम अटैच है, ठीक ठाक वॉशरूम है, क्योंकि ऊपर भी कुछ है, अभी जाके देखते हैं। ऐसे स्टेयर्स जा रही हैं, मैं भी अभी आपके साथ ही देख रहा हूँ पहली बार, तो ज़रा ऊपर जाके भी नज़र मारते हैं कि क्या है ऊपर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ऊपर एक
बैठने के लिए कॉमन एरिया और इधर व्यू लेने के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये तो ऐसा लग रहा है अभी तक का मतलब मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया होम स्टे होने वाला है। आज तक ऐसे ऐसा होम स्टे नहीं देखा, बहुत ही कमाल की लोकेशन लग रही है। चाइला हेलो इधर चाय मुझे यहाँ पे ऐसे स्टाइल में मिलती है, ऐसे कवर्ड कप, साथ में क्या है, अरे वाह बिस्किट्स। दिन भाई क्या खा रहे हो? ये मैगी। मैगी नहीं है, वाई वाई होती है। अंदर मस्त सब्जियाँ भी डली हुई है ना। तो गाइस ये है गांव युक्सम, या युक्सम गांव कहें या टाउन कहें, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है इसकी, 3000 लोग के आसपास यहां पे रहते हैं, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्योंकि पहली जो सिक्किम में जो पहली डायनेस्टी थी नामग्याल डायनेस्टी, वो यहीं पे स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्टिंग में एक कैपिटल थी यहां की। तो अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे मेनली जो ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं कि यहाँ से बहुत ही फेमस ट्रैक चलती है, शायद आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है गोयचाला ट्रैक। तो ये काफ़ी लंबी एक ट्रैक है, काफ़ी हाई उसमें आती है कि हाँ मतलब मीडियम या फिर हाई स्केल की ट्रैक काउंट करेंगे इसको, तो लगभग काफ़ी लंबी ट्रैक होती है, 6-7 दिन या कई बार 10 दिन भी लगते हैं इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। तो अभी तो वो ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है और मेरा प्लान भी नहीं है अभी कुछ ट्रैकिंग करने का, तो अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे जस्ट छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, वो देखने के लिए आया हूँ। तो अभी ऐसी कोई जगह है मेरे पीछे है लेक, इसको बोलते हैं काथक लेक, कथोक लेक। तो इसकी भी जो यहाँ के जो पहले राजा थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, उनसे कुछ रिलेटेड इसकी स्टोरी है। तो बिल्कुल जो युक्सम गांव है उसके अंदर ही लोकेटेड है ये प्यारी सी लेक, और इसके बगल में एक मोनेस्ट्री भी है, अभी वो मोनेस्ट्री भी देखते हैं और एक दो जो पॉइंट हैं यहाँ आसपास के वो भी कवर करते हैं। कोरोनेशन थ्रोन ऑफ नोरबुगैंक ऐसा नाम है इस जगह का, और ये पीछे की तरफ ये है वो थ्रोन जिसकी जो जब सिक्किम में पहली बार जो डायनेस्टी आई थी शायद नामग्याल डायनेस्टी थी उनके, जो हाँ नामग्याल डायनेस्टी लिखा हुआ है, चोग्याल फुनसोक नामग्याल लत्सुन नामखा जिगमे और दो नाम और हैं उनकी, कुछ फ़ोटो ही बनी हुई है। तो जो सबसे पहली डायनेस्टी थी उनके जो सबसे पहले किंग थे वो शायद नेपाल की साइड से आया, तो सबसे पहले जो उन्होंने आके बसाया था, जो सिक्किम का बर्थ हुआ था वो इसी जगह से हुआ था, तो ये वही थ्रोन है। बता रहे थे वो जॉन, आपने पूछा उनसे कि क्या है इस जगह, क्या कह रहे थे? मंदिर है, मंदिर है, ये बोला बस। हाँ। और कुछ नहीं बताया नहीं। ये तो बीटी होगी आपके साथ। तो गाइज ये जो युक्सम विलेज है ना, ये है एक्सट्रीम वेस्ट सिक्किम का, मतलब हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, गैंगटॉक से स्टार्ट करते हैं, तो गैंगटॉक ईस्ट में आता है, उसके बाद हम थोड़ा सा साउथ में आते हैं जिसमें आता है रवांगला, और उसके बाद हम फिर वेस्ट में एंटर करते हैं तो पेलिंग आता है जो मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में दिखाया, और पेलिंग से लगभग 40 किलोमीटर्स आगे अगर आते हैं तो हम ये आता है युक्सम। तो युक्सम से लगभग मतलब वो काफ़ी हम पास आ जाते हैं नेपाल बॉर्डर के, मेरे ख्याल से कुछ ही दूरी पे होगा नेपाल बॉर्डर, लेकिन रोड जो है वो यहीं तक ही आता है, युक्सम जो है वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक रोड आती है। और अभी ये जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक हेलीपैड बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा वेस्ट में जो रोड जाती है वो अभी यहीं पे ही जाती है, वो युक्सम के इस हेलीपैड तक ही आती है। तो ये वो हेलीपैड है, और ये पीछे जो पूरा मेरी तरफ देख पा रहे हो पीछे की तरफ, तो ये है पूरा युक्सम विलेज। तो ये है यहाँ की कहानी, लेकिन गांव मतलब बहुत ही एक सुंदर गांव है। मैं काफ़ी विलेजेस में घूमा सिक्किम के, लेकिन ये जो युक्सम गांव है ना, ये प्रॉपर एक गांव की डेफिनेशन लेके आता है, मतलब कि एक स्कूल बना हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड है, एक छोटा सा यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, और लोग हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, मतलब एक प्रॉपर एक फील देता है आपको कि एक प्रॉपर पहाड़ी गाँव कैसा होता है। तो और ऊपर से हर जगह पे तिब्बतन फ्लैग्स लगे होते हैं और मोनेस्ट्रीज वगैरह, जो घर का आर्किटेक्चर, ये पीछे की तरफ भी देखो तो कितनी स्टाइलिश टाइप से बुद्धिस्ट स्टाइल में ऐसे घर बने हुए हैं। तो और पीछे की तरफ अगर आप ये देख पा रहे हो, वो ऊपर एक वाटरफॉल दिख रही है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट साइट सीइंग पॉइंट है युक्सम का या फिर सिक्किम का, इसको बोलते हैं कंचनजंगा फॉल्स।
तो अभी वापसी का जो प्लान है मेरा, शायद वापसी में जाते हुए हम मे भी कंचनजंगा फॉल्स में रुकें, मतलब कि रोड के ऊपर ही आता है इसका पॉइंट, तो शायद रुकें, बट देखते हैं टाइम क्या कहता है, क्योंकि अब कुछ देरी होने लगी है, मुझे अब वापस भी निकलना है, अब नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट करना है, तो मे भी ये युक्सम जो है ये मेरी लास्ट डेस्टिनेशन होगी सिक्किम की, तो इसके बाद बस यहाँ से वापस निकलते हैं दिल्ली, और दिल्ली में 2-3 दिन बिता के कुछ अपना थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह दोबारा करके, और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ, ये वीडियो में ही बताऊँगा आगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो मे भी आपको पता होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार हिंट दिया, इनफैक्ट मैंने पूरा बताया भी है कि मैं कौन सी कंट्री जाने वाला हूँ। तो देखते हैं अभी आगे ये सिक्किम हमें और क्या दिखाता है, 1-2 दिन का सफ़र बचा है, देखते हैं इसमें हमारे को क्या कुछ दिखाता है ये।